इससे रिलेटेड डिस्कस किए हैं। इसके अलावा थ्री टाइप्स ऑफ फोनेटिक्स जो थी आर्टिकुलेटरी, एक्विस्टिक एंड ऑडिटरी फोनेटिक्स। वेरी गुड। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स क्या होता है सारिश? व्हाट इज आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स? सर, इन विच आवर माउथ ऑर्गन्स आर इन्वॉल्वड एंड व्हिच हेल्प टू प्रोड्यूस साउंड्स। सो अनिला, व्हाट अबाउट ऑडिटरी फोनेटिक्स? हाउ डू यू डिफाइन इट? Yesterday we discussed about auditory phonetics. Assalamu alaikum sir, auditory phonetics are those who could be heard by us. We can hear them about our hearing power. Okay, so what about acoustic phonetics? Shakila, how do you define acoustic phonetics? Acoustic phonetic means the waves of sounds which we convey each other. No, you are not defining well. Acoustic phonetics mean we evaluate the frequency from speaker to listeners, and in acoustic phonetic we study the, you know, it's a kind of hybrid study. We study auditory as well as articulatory phonetics. So here we have to study both. So what is the process of traveling sound from speaker to listener? So in which whatever involved, it will be discussed and studied. उसमें जो जो चीज़ें होंगी वो स्टडी की जाएंगी, लिसनर से स्पीकर से लिसनर तक, लिसनर से स्पीकर तक, जो भी कन्वर्सेशन हो रही है और उसमें जो आलात इस्तेमाल होंगे, चाहे वो कंप्यूटर के हैं, चाहे कोई अपरेटर्स, कोई टूल है, वो सारे टूल्स जो है वो डिस्कस होंगे। फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाएगा, कैसे साउंड वहाँ पर जाती है, उधर से इधर आती है, तो सारी सारे प्रोसेस को स्टडी किया जाता है। इसको कहते हैं अक्यूस्टिक फोनेटिक्स। तो ये लिटिल बिट दोनों को कंबाइन कर देता है, एक हाइब्रिड और एक कंबाइंड स्टडी होती है, तो ये ज़्यादा वसीह होता है क्योंकि इट इज़ इन्वॉल्विंग बोथ लिसनर और स्पीकर, दोनों इसमें आ जाते हैं। सो लेट सी सम पॉइंट्स। आई थिंक फौजिया इज लेट, लेट मी स्टार्ट नाउ। हियर आर सम पॉइंट्स आई वांट टू डिस्कस विद यू, फोनोलॉजी एंड फोनेटिक्स। द साउंड ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज, द वे वर्ड आर प्रोनाउंस्ड, कल भी हमने डिस्कस किया था। यानी फोनोलॉजी और फोनेटिक्स में हम क्या चीज़ें देखते हैं? द साउंड ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज, द वे वर्ड आर प्रोनाउंस्ड। ग्रेफोलॉजी, अगले दिन भी मैंने आप लोगों से पूछा था, लेकिन आपने ग्रेफोलॉजी को कुछ और ही बता दिया था। ग्रेफोलॉजी, इन ग्रेफोलॉजी वी स्टडी दिस, यू नो, ग्रेफोलॉजी स्पेशली इन स्टाइलिस्टिक के अंदर हम ग्रेफोलॉजी को स्टडी करते हैं। वी फाइंड व्हाट काइंड ऑफ पंक्चुएशन राइटर इज यूजिंग, अपोस्ट्रॉफी एंड यू नो कैपिटल लेटर, वेयर ही इज डिविएटिंग, हाउ ही इज राइटिंग, हाउ ही इज फॉर्मिंग टेक्स्ट, यानी वो टेक्स्ट को फॉर्म कैसे करता है, उसको पंक्चुएट कैसे करता है, उसमें वो कॉमा कब यूज़ करता है, और उसके अलावा फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, और उसके अपोस्ट्रॉफी एंड इवन कैपिटलाइजेशन, सो हाउ ही इज यूजिंग, इट इज़ स्पेशली यूज इन स्टाइलिस्टिक एनालिसिस। जब हम स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करते हैं, जो कि आपके कोर्स में भी है, इसकी भी असाइनमेंट एक आती है, स्टाइलिस्टिक लेवल पे जब किसी पोएम को एनालाइज किया जाता है, तो हम देखते हैं ग्रेफोलॉजी का लेवल, ग्रामेटिकल लेवल, फोनोलॉजी का लेवल, लिक्सिकल लेवल, तो वो सारे लेवल जो हैं वो एनालाइज होते हैं। हम सबसे पहले पोएम को, लेट सपोज, ग्रेफोलॉजी का लेवल पे देखते हैं। हम उसमें क्या फाइंड करेंगे पोएम में? विल फाइंड कि राइटर ने कहाँ कहाँ किस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल किया, उसने कैपिटलाइजेशन ज़्यादा यूज़ की है, या वो किस तरह का मेथड है, कोई डिविएशन तो नहीं कर रहा कहीं नॉर्म से। अगर वो डिविएशन कर रहा है, तो हम वो पॉइंट आउट करेंगे कि यहाँ पे उसने डिविएशन की है। पोएट मोस्टली डिविएशन करते हैं बिकॉज दे हैव अ पोएटिक लेसन्स, यू नो, यू माइट हैव स्टडीड अबाउट पोएटिक लेसन्स, दे कैन फॉर रिदम एंड फॉर रिदम एंड टू क्रिएट रिदम इन अ पोएम, दे कैन इवन डिविएट द ग्रामेटिकल रूल, स्टिल इट विल बी कंसिडर राइट। यानी वो ग्रामेटिकल रूल को डिविएट करके अपनी पोएम को एक ऑर्डर में ले आते हैं, क्योंकि दे हैव अ पोएटिक लेसन्स, दे आर द पोएट, एंड फॉर देयर रिदमिक और फ्रॉम फॉर देयर रिदम और फ्रॉम देयर यू नो इंटीग्रेशन ऑफ पोएम, दे कैन इवन डिविएट द रूल्स। तो वो डिविएशन करते हैं रूल्स की। तो एक स्टाइलिस्टिशियन का मकसद क्या होता है एक पोइम को स्टडी करने का? वो सारे वो नॉर्म्स और जितने भी उसने डिविएशन की है, जितनी भी उसने फॉरग्राउंडिंग यूज़ की है, या कहाँ पे कहीं पे वो डिविएट हो गया है स्टैंडर्ड नॉर्म से, तो वो उसको क्या करेगा पोएट,
उसको उसको करेक्ट करेगा, ठीक करेगा, उसको बताएगा. द पैटर्न ऑफ द रिटन लैंग्वेज, द शेप ऑफ द लैंग्वेज ऑन द पेज. मैंने पहले यही बात बताई कि ग्रेफोलॉजी का मतलब क्या होता है, कि रिटन लिखे हुए को एनालाइज कर, किस लेवल पे, पंक्चुएशन लेवल पे, सेंटेंस लेवल पे, कैसे फॉर्म किया सेंटेंस, कैसे लिखा है, कैसे रिदम क्रिएट किया, कैसे वो उसको फॉर्म करता है, लिखता है, ऑर्गेनाइज करता है, ऑर्डर करता है, किस तरह की वर्डिंग यूज करता है. इट इज़ द ग्रेफोलॉजिकल लेवल. द पैटर्न ऑफ द रिटन लैंग्वेज, द शेप ऑफ लैंग्वेज ऑन द पेज. मॉर्फोलॉजी को हमने कल देखा था, प्रीवियस डे देखा था. तो मॉर्फोलॉजी में हमने क्या देखा था, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी. आई वांट दैट यू शुड आल्सो कंट्रीब्यूट इन आवर लेक्चर, से समथिंग इफ यू हैव आइडिया, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, हु विल एक्सप्लेन. अगर नहीं तो फिर मैं बताता हूँ. हाउ डू यू एक्सप्लेन मॉर्फोलॉजी, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, कोई आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए. Anybody knows about morphology? Sir, ये morphology structures के बारे में है. Sentence structures, different meanings, इस किस्म की सारी मिलती है morphology से. No, आप अनिला बात कर रही हैं. अनिला आप हैं? Yes, sir. आपने वो लेक्चर हमारा नहीं सुना, मैं आपको लिंक सेंड करूंगा, उसे सुनिएगा. जी बोलिए. मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी वर्ड्स की स्टडी करते हैं. यस, इन मॉर्फोलॉजी वी स्टडी कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, हाउ वर्ड इज फॉर्म्ड एंड हाउ इट इज कंस्ट्रक्टेड. एंड स्पेशली व्हेनेवर वी फॉर्म वर्ड, यू नो, वी नीड मॉर्फीम. We need a morpheme, we need allomorph, we need morph. And I also, you know, divided, I have told you and I have categorized morpheme, morph and allomorph. मैंने आपको even ये भी बताया कि morph क्या होता है, एक morpheme क्या होता है और एक morph क्या होता है. मैंने इसके इसमें भी मैंने आपको इसको मज़ीद इसको मैंने ब्रेक डाउन किया और मैंने आपको बताया. morpheme का भी आपको बताया, आपको याद होगा. तो ये चीज़ें आपने भूलनी नहीं है, ये आनी है एग्जाम में और ये ट्रिकी कंसेप्ट है. उसके बाद आलो माफ का भी कंसेप्ट आपको मैंने बताया, ठीक है. तो कोशिश किया करें इसको याद रखा करें. पहली तो बात ये है कि माफ क्या होता है, व्हाट इज माफ. माफ वो होता है जिसकी कोई शक्ल हो. जैसे मैं एक लफ्ज़ यहाँ पे लिखता हूँ, सेंग, ठीक है, सेंग सिंग सेंग संग, तीन फॉर्म होती है. अब सैंक को हम लिख सकते हैं, इसको हम मैं फिजिकली दिखा सकता हूँ, ऐसे मैं लिख के ऐसे फिजिकली इसकी, ये एक मॉर्फीम है ना. तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, दिखा सकता हूँ वर्ड. यानी मॉर्फीम का मतलब है कोई वर्ड हो सकता है, कोई पार्ट ऑफ वर्ड हो सकता है, ग्रामेटिकल स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है मॉर्फीम. अब सैंग के अंदर एक तो इसका माफ है जो कि मैं जिसको दिखा सकता हूँ, लेकिन एक इसके अंदर छुपा हुआ है जो कि ये दूसरी फॉर्म है. क्योंकि ग्रामर के लिहाज से देखना ना, मॉर्फीम में मैंने उसकी डेफिनेशन क्या की है, स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल कॉन्ट्रास्टिव यूनिट ऑफ ग्रामर. एक तो उसे फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, एक उसका कोई मतलब भी होता है मॉर्फीम का, एक वो क्या होता है ग्रामर का यूनिट होता है, पार्ट ऑफ वर्ड हो सकता है या कोई लफज हो सकता है, इसको मॉर्फीम कहते हैं. ये डेफिनेशन याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में भी काम आएगी. अच्छा, ये सैंग का एक माफ है, ये मैं इधर लिख देता हूँ, इसका एक माफ है और इसके दो मॉर्फीम हैं. अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इसके दो मॉर्फीम कैसे हैं. मॉर्फीम जो है वो अगर अपनी शक्ल नहीं भी दिखाता या उसे हमें फिजिकली रिप्रेजेंट नहीं भी कर सकते, स्टिल इट विल बी नोन एज मॉर्फीम, तब भी वो मॉर्फीम कहला सकता है. एक तो इसकी सैंग वाज़े इसकी शक्ल जो नज़र आ रही है, दूसरी शक्ल इसके अंदर छुपी हुई है इसकी फॉर्म जो कि हमें नज़र नहीं आती, लेकिन अंडरस्टूड है कि ये दूसरी फॉर्म भी है. मैंने जो डेफिनेशन किया वो माइंड में रखें, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी. मॉर्फीम इज अ कॉन्ट्रास्टिव ग्रामेटिकल यूनिट ऑफ ग्रामर, ठीक है. एक तो इसको वाजे मैंने सैंग लिख लिया, एक इसके अंदर छुपा हुआ, तो मैं इसमें कहूँगा इसमें दो मॉर्फीम है, एक मॉर्फ है.
जिसको हम फिजिकली दिखा सकते हैं वो हमारा माफ होगा, जिसको हम फिजिकली नहीं दिखा सकते वो हमारा माफ नहीं कहला सकता। यानी हर कोई जो माफिम है वो माफ नहीं हो सकता, लेकिन माफ जो है वो माफिम होता है, उसके अंदर यानी करेक्टरिस्टिक वो होती है। मिसाल के तौर पर ये सैंक जो है ये मारफिम भी है और एक माफ भी है, एक इसके अंदर छुपा हुआ मैं कहूँगा मारफिम वन और मारफिम टू, इसमें दो माफ मारफिम है और एक इसका माफ है सैंक का, ठीक है। और बाद कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि अपने आप में वो प्लूरल होते हैं, जैसे पीपल है, ठीक है, जैसे कोई मल्टीट्यूड है, चाहे ग्रुप है, तो इस तरह की कोई चीज़ें जो उनके अंदर छुपी होती हैं तो हम उनको भी ऐसे ही लिखेंगे। बाकी मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक और लफ्ज़ लिखता हूँ, मज़ीद समझ आ जाएगी। ये इसकी डेफिनेशन ज़रा देख लें फिर। द वर्ड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड वर्ड्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूंट स्ट्रक्चर, यानी इसके अंदर मॉर्फोलॉजी के अंदर वर्ड कंस्ट्रक्ट होते हैं और फिर क्या होते हैं वर्ड फॉर्म होते हैं और इनको कॉन्स्टिट्यूंट स्ट्रक्चर और उसका पूरा कॉन्स्टिट्यूंट स्ट्रक्चर माफ अलोमाफ माफिम कैसे वो परफिक्स सफिक्स इन्फ्लेक्शनल माफिम डेरिवेशनल माफिम ये भूलना नहीं चाहिए। व्हाट इज़ डेरिवेशनल माफिम एंड व्हाट इज़ यू नो इन्फ्लेक्शनल माफिम। मैंने आपको बताया था कि बाउंड माफिम की दो इकसाम हैं, एक बाउंड माफिम की इकसाम है जिसे हम कहते हैं डेरिवेशनल माफिम, दूसरी उसकी फॉर्म क्या कहलाती है उसे कहते हैं इन्फ्लेक्शनल माफिम। इन्फ्लेक्शनल माफिम में हमारे पास वो माफिम आते हैं कि लेट सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ एप्पल्स, उसके साथ एस का इजाफा कर देता हूँ एप्पल्स बन जाएगा, ठीक है। मेरे पास एक डिग्री है जैसे स्मार्ट, मैं उसे दोबारा उसके साथ ईआर लगाता हूँ स्मार्टर। मेरे पास एक डिग्री है एडजेक्टिव की, क्या मैं कहता हूँ ग्रेट, मैं फिर कहता हूँ ग्रेटर ग्रेटेस्ट। अब देखें कैटेगरी चेंज नहीं हुई, वो एडजेक्टिव ही रहा, मैंने ईआर भी लगाया ईएसटी भी लगाया सुपरलेटिव भी लगाई और कंपैरेटिव भी लगाई, लेकिन वो फिर भी एडजेक्टिव ही रहा। इन्फ्लेक्शन का काम मॉर्फिम का इतना काम होता है कि वो डिग्री जो है ना वो उसकी कैटेगरी सेम रहती है पार्ट ऑफ स्पीच की, उसको चेंज नहीं करता, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज मॉर्फिम एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेरिवेशनल मॉर्फिम एंड इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम, इस तरह का क्वेश्चन बना सकता है, डिस्कस बाउंड मॉर्फिम एंड इंडिपेंडेंट मॉर्फिम, तो आप लिखेंगे इंडिपेंडेंट मॉर्फिम वो होता है जो खुद स्टैंड कर सकता है, जैसे गर्ल है, जैसे बुक है, जैसे पेन है, जैसे पेंसिल है, जैसे बल्ब है, जैसे बुक है, जैसे कप है, जैसे फैन है, तो ये जो इंडिपेंडेंट वर्ड है ना ये खुद स्टैंड कर सकती है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ वर्क और वर्कड, दूसरा मैंने ईडी का इजाफा किया, ये आप बाउंड मॉर्फिम उसने मैंने उसके साथ इस्तेमाल किया। फिर मजीद मैंने आपको बताया था मॉर्फोलॉजी के लेक्चर में कि इनफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, इन चीज़ों को साथ साथ याद कर लीजिए। आगे सिंटैक्स को भी हमने पढ़ा, सिंटैक्स ये वर्ड लेवल पे हम करते हैं मैनिपुलेशन, एक वर्ड की कंस्ट्रक्शन और उसको कैसे हमने फॉर्म करना है, उसके कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर सब को स्टडी करते हैं, ये मॉर्फोलॉजी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ग्रेफोलॉजी का मैंने आपको समझा दिया, फोनेटिक फोनोलॉजी को हम कर रहे हैं। अच्छा जी, सिंटैक्स में हमने क्या स्टडी किया था, सिंटैक्स में हमने स्टडी किया था कि सेंटेंस की, एक सेंटेंस को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, इस सेंटेंस को कैसे हम एनालाइज करते हैं, वो सारी स्टडी जो है वो सिंटैक्स के अंदर हम करते हैं। उसमें हमने नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज सेंटेंस और उसमें टीपी और सब कुछ हमने देखा, वो भी हमारा काम हो गया। यानी हम सिंटैक्स भी पढ़ चुके हैं, मॉर्फोलॉजी भी पढ़ चुके हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, द वे वर्ड कॉम्बाइन विद अदर वर्ड टू फॉर्म फ्रेज एंड सेंटेंस। यानी फ्रेज और सेंटेंस लेवल पे जो हम एनालिसिस करते हैं वो सिंटैक्स में आता है, वर्ड लेवल पे मॉर्फोलॉजी पे आएगा, वो मॉर्फोलॉजी की फील्ड में आएगा। फिर उसके बाद लेक्सिकल वर्ड्स एनालिसिस, लेक्सिकोलॉजी, द वर्ड वी यूज इन वोकैबुलरी, यानी आपके माइंड के अंदर जो वोकैबुलरी है, जो वर्ड्स हैं, जो मैंने बताया था कंटेंट वर्ड होते हैं, वो लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं ना, कंटेंट वर्ड्स, जैसे वो मैंने बताया था वर्ब एडवर्ब और उसके अलावा एडजेक्टिव और वर्ब, ये सारे नाउन, ये आपके सारे लेक्सिकल वर्ड है, इनकी होती है असल में, ये है आपकी वकैब। अब दूसरे जो फंक्शनल वर्ड हैं जिसमें प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है, डिटर्मिनर्स हैं, इस तरह के, ये कॉन्स्टेंट रहते हैं, ये नहीं बदलते, ये अब सेंचुरी से सेम ही आती हैं प्रेपोजिशन। लेकिन कंटेंट वर्ड जो हैं ये बढ़ते रहते हैं, उसमें नाउन है, उसमें वर्ब है, उसमें एडवर्ब है, उसमें एडजेक्टिव है, ये सारे हमने डिस्कस किए थे। सिमेंटिक क्या होता है, व्हाट इज सिमेंटिक,
सिमेंटिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड द सेंटेंसेस. किसी सेंटेंस का मीन क्या है, स्पीकर ने क्या बोला है और उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है. मिसाल के तौर पर मैं कोई बात कर रहा हूं तो आप मेरी बात को लें और लोगों को इतनी इतना सा जो मेरा एक सेंटेंस जो मेरे मुंह से निकला है वो आप दिखा दें, लेकिन पूरी अगर आप मेरा पूरा डिस्कोर्स नहीं दिखाते तो आप क्या कर रहे हो, मुझे यानी मेरी मेरा मौकफ नहीं रख रहे लोगों के. आप उसे कट करके इतना सा मेरा दिखा रहे हैं वो क्लिप, तो इट मीन दैट वट एवर आई हैव सेड एंड वट वॉज माई रियली मीन, वट वॉज आई मैन टू से एंड वट एवर आई अटर्ड, देर इज अ डिफरेंस. तो एक सिमेंटिक मीनिंग जो होता है उसको फिर हम कॉन्टेक्चुअल और उसको प्रगमेटिक लेवल पे उसके कॉन्टेक्स्ट, उसकी कॉनोटेटिव मीनिंग, उसके डेनोटेटिव मीनिंग और उसकी सिचुएशनल मीनिंग, उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, उसका सोशो पोलिटिकल मीनिंग, वो हर तरह से जब हम एनालिसिस करके किसी चीज़ से निकालते हैं एग्जैक्ट मीनिंग, इट इज कमिंग अंडर द स्टडी ऑफ सिमेंटिक. तो सिमेंटिक में मीनिंग को स्टडी किया जा रहा है कि स्पीकर या राइटर का मतलब क्या है लिखने का टेक्स्ट. उसने इतना बड़ा थीसिस लिख दिया है तो उसका मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग. उसके बाद प्रैग्मेटिक डिस्कोर्स एनालिसिस. डिस्कोर्स एनालिसिस का मतलब होता है जब हम सेंटेंस से बियॉन्ड एनालिसिस करते हैं किसी टेक्स्ट का, उसको डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं. यानी सेंटेंस लेवल पे तो आपने कर लिया एनालिसिस फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर के थ्रू या डिफरेंट मेथड के थ्रू आपने कर लिया एनालाइज, लेकिन इससे बियॉन्ड अगर पूरी एक टेक्स्ट को आपने एनालाइज करना है तो उसमें फिर आ जाता है डिस्कोर्स एनालिसिस. मे बी एग्जामिनर विल बी आस्किंग क्वेश्चन अबाउट डिस्कोर्स एनालिसिस. चूंकि आजकल लिंग्विस्टिक जो है वो काफ़ी डिवेलपमेंट हो रही है इसमें, तो वो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है. तो हमने ये जो है डिस्कोर्स एनालिसिस की असाइनमेंट भी आपको करवाऊंगा. ये जस्ट मैंने आपको एक आइडिया देना था. आपको असाइनमेंट जो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ इसको देखें ज़रा, लेट मी शेयर विथ. Hope you are going to learn a lot of things today. Today, dear student, today we are going to discuss a lot of things. You'll be learning about the phonotactics. You'll be learning about what is phonotactics. You are going to learn about the phonemes, allophone. You are going to learn about phones, phonetics, type of phonetics. And you are going to learn what is place of articulation, what is manner of articulation. It's a complete assignment. ये आज आप अगर आपने आज assignment समझ ली तो आप समझ लें कि आपका 70% जो है linguistic का काम हो गया. मैं बात कर रहा हूँ कि 70% linguistic जो है आपका आज clear हो जाएगा अगर ये assignment मैंने बड़ी effort से बनाई है. तो इसको kindly ये net से आपको नहीं मिलेगी, ये net